बाबा जान की बारगाह में मेरा सवाल ये है कि कुरान पाक की तिलावत सुनना फ़र्ज़ है, तो अगर तोता तिलावत करे तो इसका सुनना भी फ़र्ज़ होगा और तोते की तिलावत सुनने से भी सवाब मिलेगा, और तोते से आयत सजदा सुनने से सजदा तिलावत वाजिब होगा या नहीं? आप भी वैसे कमाल के लोग हो बाबा, एक तोता दिखाते हो फिर तोते से इतने सारे सवाल भी निकलवा लेते हो यार। तोते ने माशा अल्लाह सूरतुल फातिहा सुनाई, मगर अभी इसका जमाना है, कोशिश है, ये कहेंगे मखारिज वगैरह भी वो जरा तरकीब बनते बनेगी, तो फिर ये कारी नहीं है, ये तोता कारी तो फिर पूरा उसको मखारिज दुरुस्त हो ना, मखारिज से हुरूफ अदा करे। सूरतुल फातिहा इसने, इसको किसी ने रटाई है तो माशा अल्लाह इसने सुनाया, बिस्मिल्लाह शरीफ भी सुनाई। अब इससे तिलावत सुनना और किसी मुसलमान से सुनना, दोनों के अहकाम में फर्क है। जैसे जो लोग किराअत सुनने के लिए हाजिर हुए उन पर तो फर्ज आयन है, हर एक पर फर्ज है कि वो कान लगाकर खूब तवज्जो से वो तिलावत सुने, फर्ज होने की सूरत एक ये है। दूसरे के सब सुनने के लिए हाजिर नहीं हुए तो अब ये कि एक का सुन लेना काफी है, अब फर्ज किफाया हो गया। अब तोता अगर तिलावत करे, परिंदा तिलावत करे, तो इसका सुनना फर्ज नहीं है, सुनना जायज है। इसी तरह तोते से या परिंदे से आयते सजदा सुनकर सजदे तिलावत वाजिब नहीं होता। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाल्लाह।